सर हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, हाउ रैंक टेस्ट? बेटा ऐसी आपका बोर्ड्स का एग्जाम होगा, जेई मेंस भी होगा उसी में, ठीक है? आप वहां पे मेल डालना एनटीए को। आपको मैंने क्या सेशन के स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि भैया सीरियसली पढ़िए, जो जो काम दिया जा रहा है उसको सीरियसली करिए। नहीं, बकायती करेंगे। जब हमारा 11th का रिवीजन होगा, अगला पड़ाव आपके लिए क्या है, जब आपका 11th का रिवीजन होगा यहाँ पर शुरुआत, तब आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे स्कूल में। सेकंड पड़ाव आपका वही है, ठीक है? अभी तो आपके अंदर जोश है कि भैया आप तो 11th ऐसी पढ़ेंगे ना, ऐसी पढ़ेंगे कि मतलब जैसे पढ़े ही नहीं है, ठीक है? हाँ, अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो आपके सामने है चुपचाप पढ़िए। प्री बोर्ड में आप टेंशन फ्री तभी बैठ पाएंगे जब आपकी 12th सही तरीके से जारी होगी। जब आपका 11th का रिवीजन होगा फिर आप 12th क्लियर होगे। जब आपका जेई मेंस का होगा तब आप 11th क्लियर होगे। जब आपका बोर्ड होगा तब आप जेई मेंस क्लियर होगे। जब आपका जेई मेंस दोबारा होगा आप हमेशा ही रोते रहोगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप जिंदगी भर